दोस्तों आप देख के लगता है कि इंडिया में भी हर लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी होगा, क्योंकि दोस्तों आज इंडिया के फर्स्ट आर्टिस्ट ने क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया है, वो भी अपनी लाइव परफॉर्मेंस के लिए। जी हाँ, उनका नाम है रैपर रफ्तार। मैंने आपको ये खबर टेलीग्राम पे दे दी थी। अब इसको देख के लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में जल्दी काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, हर बच्चे बच्चे के पास यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी होगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं, जैसे ही बॉलीवुड में कोई हीरो करता है वैसे ही देख के हम इंडियंस भी करते हैं। तो अब देख के लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों मैं हूं नीरज और आप समय हमारे क्रिप्टो न्यूज का। तो चलिए जल्दी से शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है, पर्सनली बात करना है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे को अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर एक्स में डिपॉजिट करने के लिए इंस्टेंट डिपॉजिट यूपीआई वाला ऑप्शन सबके पास लाइव हो गया है। आप चाहें तो अपने वजीर एक्स में जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको किसी तरीके से प्रॉब्लम आ रही है डिपॉजिट करने में, तो मैंने उससे रिलेटेड यहाँ पर दो वीडियो बना रखी है। आप चाहें तो आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि आज डेथ क्रॉस हो गया है बिटकॉइन का, तो यहाँ पर बिटकॉइन का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा नीचे आ गया है। लेकिन अब आपको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस दोबारा से ऊपर जा रहा है। और ये मैं आपको बता दूं, ये बिटकॉइन का प्राइस ज्यादा दिन तक नीचे नहीं रहेगा और ये फिर से अपने लेवल पे जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज सेंटीमेंट एनालिटिक्स एजेंसी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जब बिटकॉइन 34,000 डॉलर पे गिर चुका था, उसके बावजूद भी जो बिटकॉइन वेल्स होल्डर्स है वो डिप में बाय कर रहे हैं। उनके एक ट्वीट में कहा गया है कि 1,000 बिटकॉइन रखने वाले वो दोबारा से बिटकॉइन को खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसी वजह से जो बिटकॉइन का प्राइस है वो ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 34,000 डॉलर पे आ गया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अप हो गया है, यानी ये 35,000 डॉलर पे आ गया है। तो अभी मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको डेथ क्रॉस बताया ये ज्यादा दिन तक यहाँ पर रहेगा नहीं, जल्दी आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेगा, फिर दोबारा ये नीचे नहीं जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप लोग घबराए हुए हैं, पैनिक में है, तो यहाँ पर कोई पैनिक वाली बात ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों इससे ज्यादा नीचे तो वो पहले ही जा चुका है, जितना अभी गया है इससे नीचे तो वो पहले ही गया है। तो इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है, अब ये दोबारा से ऊपर जाएगा। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वेल्स हैं वो जब डिप में गया 34,000 डॉलर, उन पे उन्होंने बाय किया, तो वो आपके लिए मौका था कि आप 34,000 डॉलर पे खरीद सकते थे। और अभी आप देख सकते हैं, अभी 35,000 डॉलर पे आ चुका है, तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। पर पैनिक होने की वजह से आपने ये मौका खो दिया। अब शायद से ये दोबारा से 34,000 डॉलर पे ना आए, हो सकता है अब ये ऊपर जाए। दोस्तों XRP में बहुत हेरा फेरी हो रही है। पिछले 24 आवर्स में क्रिप्टो ट्रैकिंग सर्विस ने इस बारे में कई पोस्ट यहां पर डाले हुए हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, किसी ने 50 मिलियन XRP हुबोई से बाइनेंस में ट्रांसफर किया है। और इन्हीं 24 आवर्स में बिट्रेक्स एक्सचेंज से 50 मिलियन XRP को भेजा गया है अपबिट एक्सचेंज पे। और इसी तरीके से आज के दिन में अदर प्लेटफॉर्म से अदर एक्सचेंजेस पे यहां पर भेजा गया है। कुल मिला के देखा जाए तो 148 मिलियन XRP को यहां पर ट्रांसफर किया गया है दूसरे प्लेटफॉर्म पे। और इसी वजह से XRP का जो प्राइस है वो 0.7 डॉलर पे गिर चुका है। 14 जून को ये था 0.9 डॉलर पे और अब गिर के आ चुका है 0.7 डॉलर पे। तो यहाँ पर इसी वजह से ये ऊपर नहीं जा पा रहा है और बार बार ये नीचे आ जा रहा है। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको ये न्यूज दी थी कि XRP में आपको बहुत ज्यादा ट्रांसफर किया जा रहा है यहाँ से वहां, जिसके वजह से XRP का जो प्राइस है वो नीचे गिरते हुए आ रहा है। बाकी आप देखते हैं आगे क्या होता है XRP को लेकर। दोस्तों डॉट ने आज फिर से 20 डॉलर को टच किया, हालांकि प्रीवियस हाई था उसका 29 डॉलर, फिर उसके बाद ये गिर के आया 22 डॉलर, और फिर जब वो अपने लोअर हाई को टच करने गया 26 डॉलर को, तो उसने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज द सेलिंग प्रेशर। और इसके वजह से ये दोबारा गिर के आ चुका है 20 डॉलर पे, लेकिन अभी यहाँ पर देखेंगे तो 21 डॉलर शो हो रहा है, लेकिन ये गिर चुका था 20 डॉलर पे। और अभी आप इससे कुछ भी उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो मार्केट है वो पूरा बियरिश शो हो रहा है। तो इसलिए अगर आप डॉट पे इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं तो अभी तो आप फिलहाल इसको होल्ड करके रखिए, बेचने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप लॉस में होंगे वैसे भी। तो इसलिए आप यहाँ पर बेचिए मत, और यहाँ पर अभी ट्रेडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जो मार्केट है वो काफी ज्यादा बियरिश दिखा रहा है सब चीज का, जितने भी कॉइन है बाकी सारे गिर चुके हैं ऑल्ट कॉइन को मिला के। तो अभी यहाँ पर आप ट्रेडिंग वगैरह रोक दीजिए, बाय वगैरह मत कीजिए कॉइन, मैं आपको अपडेट कर दूंगा कब आपको करना है। दोस्तों आज चाइनीज जर्नलिस्ट ने कहा है कि, मैं आपको बता दूं ये चाइना से हमारे लिए खबर लेके आते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने आज कहा है कि कंपनी एक नई माइनिंग मशीन लेके आ रही है जिसका नाम है L7, और ये मिंटिंग करेगी लाइट कॉइन का और डॉगी कॉइन का। और जो जो डॉगी कॉइन पे या फिर अभी लगाना चाहते हैं और या फिर लगा के रखे हुए हैं, तो उनके लिए अभी अच्छा मौका है, आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और अगर आपने पहले से बाय करके रखा हुआ है तो आप यहाँ पर होल्ड करके रखिए, क्योंकि दोस्तों आज कॉइनबेस के को-फाउंडर ने कहा है कि डोंट अंडर एस्टिमेट ऑफ डॉगी कॉइन। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कॉइनबेस पे क्या पता ये लॉन्च हो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी आप डॉगी कॉइन में यहाँ पर सेल मत कीजिए। और अगर आपने बाय नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पर बाय कर लीजिए, अभी प्राइस काफी ज्यादा गिरी हुई है, तो ये आपके लिए काफी अच्छा मौका हो सकता है।
और पहले से भी इसका एलोन मस्क के ऊपर हाथ है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदे वाला कॉइन हो सकता है। और बात आती है माइनिंग मशीन वाली, तो देखिए यहाँ पर जो चाइना की तरफ से खबर आई है ये काफी अच्छी खबर निकल के आई है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाइना ने यहाँ पर माइनिंग बंद कर दी थी। अब इन्होंने यहाँ पर एक अलग सी मशीन लेके आया है, और ये मशीन उन्होंने इसीलिए लेके आया है क्योंकि वो पहले से कहती थी कि जो माइनिंग होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होती है, इसी के लिए यहाँ पर ये मशीन लेके आया गया है। तो अब शायद से चाइना के अंदर दोबारा से बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो शुरू कर दी जाए। दोस्तों डिजीबाइट का प्राइस अपना फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ सकता है। फर्स्ट उसका सपोर्ट है $0.0489 और जो दूसरा सपोर्ट है वो है $0.0468 और जो तीसरा है लास्ट वो है $0.044। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये फर्स्ट सपोर्ट को टच करके दोबारा से ऊपर चल जाए, या फिर फर्स्ट वाले सपोर्ट को ब्रेक करके दूसरे वाले सपोर्ट पे जाए और फिर से ये ऊपर जाए। तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि ये तीसरे वाले सपोर्ट पे आए, लेकिन हाँ ये दो सपोर्ट पे ये आ सकता है, हो सकता है उसके बाद ये ऊपर जाए, तो इन दो सपोर्ट को आप ध्यान में रखिएगा। और हाँ, अभी डिजीबाइट का प्राइस काफी ज्यादा नीचे गिर चुका है, इसलिए आप यहाँ पर इससे उम्मीद मत रखिएगा कि इससे कुछ हो, लेकिन हाँ अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखिए। देखा जाए तो डिजीबाइट काफी अच्छा कॉइन है अगर हम देखें इसको लॉन्ग टर्म के लिए। अभी इसका मार्केट काफी ज्यादा बियरिश दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये खराब कॉइन है, आपको ये फायदा देगा फ्यूचर में। दोस्तों वेंचर कैपिटल फंड ने $17 बिलियन इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, और ये रिकॉर्ड रहा है 2021 का, और अगर आप 2018 का देखेंगे तो वो है $7 बिलियन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2018 और 2021 दोनों के अंदर कितना ज्यादा फर्क है। 2021 में क्रिप्टो मार्केट काफी ज्यादा यहाँ पर ऊपर उठ के आया है, आप लोग देख सकते हैं कहाँ 7 बिलियन और कहाँ 17 बिलियन, तो इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं और खुद ही देख सकते हैं कि कितना ज्यादा फर्क है 2018 के अंदर और 2021 के अंदर। और ये मैं फर्क आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में आपको क्रिप्टो के अंदर ये जो 17 बिलियन दिख रहा है ये हो सकता है 50 बिलियन देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों दिन ब दिन इसकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है, बाहर देश में नहीं इंडिया में भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया के जो आर्टिस्ट है रफ्तार, इन्होंने भी अब क्रिप्टो करेंसी में एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों अब चाइना और अमेरिका मांग करता है कि अब हमें पब्लिक कंपनी का डेटा दिखाया जाए जिससे हमें ये शो हो कि ये इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बिजनेस के ऊपर और हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, और इन्होंने ये डेटा इसीलिए मांगा है ताकि बिटकॉइन माइनिंग और प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड क्रिप्टो करेंसी को एडॉप्ट किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि चाइना ने यहाँ पर लॉन्च किया है एक अलग सी माइनिंग मशीन, और यहाँ पर अब इन्होंने डेटा मांगा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो चाइना और अमेरिका है वो चाह रही है कि हमें डेटा मिल जाए जिससे हम ये देख पाए कि हमारे इन्वायरमेंट और हमारे बिजनेस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे हम बिटकॉइन माइनिंग और अदर जो क्रिप्टो करेंसी है उसको हम एडॉप्ट कर पाए। तो दोस्तों ये एक हमारे लिए खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग इसको डेटा दिखाते हैं और इन्होंने यहाँ पर मंजूर कर दिया कि दोबारा से क्रिप्टो माइनिंग यहाँ पर हम शुरू करेंगे और अदर जो क्रिप्टो करेंसी है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पर जितनी तेजी से मार्केट गिरा था उससे दुगना तेजी से हमारा जो मार्केट है वो उठेगा। दोस्तों यूनिस्वैप में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, कहा जा रहा है कि अगर ये अपने करंट सपोर्ट को रिबाउंड करता है तो ये $25 पे जा सकता है, और अगर कस्टमर ने इसको बाय किया ज्यादा से ज्यादा तो ये $30 पे भी जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर किसी भी फेस को यहाँ पर रिजेक्शन मिलता है तो ये गिर के आ जाएगा $16 पे, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और इसके जो मेजर सपोर्ट्स हैं वो है $22 और है $20, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर यहाँ पर कोई भी फेस यहाँ पर रिजेक्ट करता है तो ये $16 को छुएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ क्रिप्टो न्यूज़, अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको ऐसी वीडियो में, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।